आप देख रहे हैं जयवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां पश्चिमी विक्षोभ का असर गुरुवार को क्षेत्र में चारों ओर देखने को मिला। देर शाम आकाश में घनघोर काली घटा व बादल छाने के साथ ही क्षेत्र में बूंदाबांदी शुरू हो गई। लगभग एक घंटे के बाद से ही तेज बारिश के साथ लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भयंकर तूफानी हवा चलने लग गई, जो अल सुबह तक जारी रही। तेज हवाओं व अंदर से क्षेत्र में जगह जगह लगे सैकड़ों विद्युत पोल व पेड़ धराशायी हो गए। इसके साथ ही शहर में अनेक जगह लगे होर्डिंग बोर्ड टिन से तूफान की भेंट चढ़ गए। आंधी तूफान से बचने के लिए लोग सुरक्षित स्थान पर ठहरते नजर आए। कस्बे में जगह जगह लगे टेंट तिरपाल भी उड़कर धराशायी हो गए। तहसील कार्यालय के बाहर रेलवे स्टेशन रोड, नावा चौराया, हेमपुरा रोड, भिवड़ा नाडा रोड, संबद नगर, गोरख चौक, मौनपुरा रोड, खाकड़ की रोड, मैश्री भवन, पीर बाबा रोड, योगियों के आसन आदि अनेक जगहों पर बड़े छोटे पेड़ पौधे व विद्युत पोल ट्रांसफर मर गिरकर धराशायी हो गए। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन लोगों को काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही विद्युत निगम को लाखों रुपए के नुकसान होने की जानकारी मिली है। क्षेत्र में इस भयंकर तूफान से अधिकांश टिनसेट के चद्दर उड़कर दूर जाकर गिरे व बिखर कर तहस नहस हो गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ऐसा भयावह भयंकर तूफान हमने आज तक नहीं देखा। इस आंधी तूफान व बारिश से नमक व्यवसायियों को भी काफ़ी आर्थिक नुकसान होने के समाचार मिले। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।